तो ये देखो भाई, मार्केट तो ओपन होते ही गिर गया बहुत धड़ल्ले से। ठीक है, अभी तो कोई एंट्री बनी नहीं है हमारी, और कहीं ना कहीं आ चुका है हमारे अपसाइड रिवर्सल वाले एरिया के आसपास। तो एक चीज़ देखो, हमारा प्लान फिक्स हो रहा है। क्या प्लान फिक्स हो रहा है पता है आपको? अगर मार्केट इधर बॉटम के आसपास कोई अपसाइड का मूवमेंट देगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पुट बेच सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्लान रहेगा। उसके लिए हम अभी वेट करेंगे, क्योंकि देखो मार्केट में जब तक कोई भी एंट्री ना मिले तब तक आपको वेट ही करना है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप कहीं पर भी गुजरने लगोगे ट्रेड अपना, तो उसमें दिक्कत होने का सामना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और लॉसेस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे बेटर ये होगा कि ऑलवेज वेट फॉर योर सेटअप। ठीक है, अभी देख सकते हो, अभी कैपिटल वगैरह ऑर्डर वगैरह देख सकते हो, कुछ भी मेरा नहीं लगा है। और ये वही चलेगा अकाउंट है, 62,000 रुपीज़ का फंड है हमारे पास, जिसमें मैं ट्राई करूँगा कि मैं 2 लॉट बेचूँ। ठीक है, देखते हैं अभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो काम करेगा, बिकॉज अभी मार्केट जस्ट ओपन होते ही सडनली 200 पॉइंट का एक ही कैंडल बना दिया। देखो हो गया एंट्री करने का समय। ठीक है, अभी फटाफट चलता हूँ यार, कभी कभी ना मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट दे देता है। कोई बात नहीं, फास्ट तो हम लोग भी फास्ट पुट बेचेंगे ना, ATM इसी को बेच देते हैं, इसको सेल, यहाँ से सॉरी यहाँ से इसको हटा देता हूँ, यहाँ से बास्केट मोड ऑन करूँगा पहले, इसके बाद ATM का सेल किया जाएगा। ठीक है, और एक पीछे का इसको बाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैं हेजिंग के मदद से काम कर रहा हूँ, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी वीडियो लगभग एक हफ्ते के बाद आ रही है, क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था और मेरे को काम भी थे। ठीक है, तो सब बातें बाद में करेंगे, पहले ऑर्डर ले लेते हैं, अदरवाइज़ ऑर्डर लेने के पहले ही बात कर लेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर देखो ट्रेड लेते ही प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, मार्जिन भी दिखा लेता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया रहे। देखो कोई भी ट्रेडिंग में अगर आप घुस रहे हो ना, तो ये समझ लो कि हमेशा आपको स्टार्टिंग करना है कैम कैपिटल से, और अपने आपको खुद को प्रूव करना है कि आपका मंथ का पेन, दूसरे महीने का पेन, जब तक ग्रीन आए तब तक बड़ा कैपिटल तो ज़िंदगी में लगाना ही नहीं है। तो अभी तो देखो लॉस प्रॉफिट चलता रहता है, मार्केट का नियम है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्यों एंट्री करी, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा अपसाइड और सेलेबल एरिया है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर तक का मूवमेंट दे सकता है, और ऊपर तक का मूवमेंट देगा तो कहाँ जा सकता है मार्केट। देखो मार्केट में फर्स्ट अगर कहने के हमारा इधर के आसपास का होगा, देन उसके बाद आज के कहीं ना कहीं डे हाई भी मार्केट में आ सकता है। ठीक है, ये सारी देखो पॉसिबिलिटीज है। हमने कहाँ पर एंट्री करी है, हमने देखो पकड़ लिया है बॉटम। यहाँ पर क्यों एंट्री करी है पता है आपको? देखो यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग फंसेंगे ट्रैप में, सेलिंग में। एक चीज़ समझो, जब तक मार्केट एक साइड लोगों को ट्रैप नहीं करेगा तब तक दूसरे साइड अच्छा मूवमेंट नहीं देता है। मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। तो देखो यार, मार्केट ने मौका ही नहीं दिया बात करने का, मार्केट तुरंत मेरे को लॉस दे दिया। 500 रुपये का लॉस हो गया मुझे, और थोड़ा सा मुझे बड़ा ही लॉस आज के दिन पर हो रहा है। तो अभी मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता दोस्तों, मुझे लॉस को रिबुक ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज़ है, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया, मार्केट काफ़ी ज़्यादा सांप ने मेरा SL को हंट कर गया, SL को खा गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी दोबारा एक एंट्री मिलेगी तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ये हमारे पक्ष में रहेगी। ठीक है, हमने आप एंट्री क्यों करी थी? देखो हमने आप एंट्री इसलिए करी थी क्योंकि मार्केट में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मार्केट कल से बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिया था अपसाइड का। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि मार्केट यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट दिया था, तो यहाँ पर मार्केट में एक तरह से बायर बैठे हुए थे। बट हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बॉटम पकड़ा, हमारा मार्केट ने सडनली SL काट दिया, तो हमने भी क्या किया, हमने भी अपने पोजीशन को तुरंत काटा। देखो एक चीज़ समझो, डिसिप्लिन में काम किया करो, जो भी सेटअप को फॉलो करो उस पर काम किया करो। अगर SL जाए तो तुरंत SL को काटो। बहुत सारे लोग लॉसेस में क्या करते हैं, लॉसेस को देखते रहते हैं। अगर अभी तक मैं देखता रहता तो मेरा लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप एक बार गलत हो जा रहे हो तो एक बार दोबारा सेकंड चांस जरूर लो। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मेरा व्यू अभी भी इधर के आसपास अपसाइड का ही रहेगा, मे बी मार्केट इधर के आसपास का। देखो ये जो गैप करिया है ना, गैप करिया भी फिल कर सकता है, कि अगर डाउन का मूवमेंट आता रहेगा कंटिन्यू, तो अगर जो गैप का मार्केट मूवमेंट फिल करेगा तो यहाँ से फिर से हम एक अपसाइड का मूवमेंट लेंगे। ठीक है, अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो उसी के लिए अभी हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो आपको अपने सेटअप को फॉलो करना है, लॉस हो या प्रॉफिट हो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि पैसा डिसिप्लिन से ही मार्केट में बनता है, विदाउट डिसिप्लिन नहीं बना पाओगे आप, चाहे कितना भी दिमाग लगा लो। देखो अब यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है मुझे, अभी पूरा कंफर्मेशन का वेट करेंगे हम थोड़ा सा। अगर मिलता है यहाँ पर तो क्या करूँगा, मैं फिर से ट्रेड लूँगा, बैंक निफ्टी का सेम करूँगा, इसमें काम करूँगा। इस बार थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है। 22,500 बेचा था ना, अब देखो इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार यहाँ पर ऑप्शन चेन लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको इस बार हम बेच देते हैं 22,400 को बेच देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 22,400 को बेचेंगे और 2,200 को फोर्टी टू वन हंड्रेड इसको मैं करूँगा सेम क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे हम, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है,
यहाँ पर हम तीन तीन लॉट लगाएंगे। अभी देखो, अभी मुझे मौका का मैं वेट कर रहा हूँ, मौका मुझे यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। अगर मौका मिलेगा तो तुरंत एंट्री करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखो बॉटम है, यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट में साफ, एक तरह से मान लो मेरा ऐसे मार्केट ने खा गया, कोई बात नहीं, खाने दो, एक एंट्री हमारी और बचती है। हम दिन में दो ही ट्रेड करते हैं, अगर दो में भी लॉसेस चले गए तो तीसरा मैं ट्रेड कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। एक चीज़ दिमाग में डालो, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, आपका महीने भर का प्रॉफिट एकदम ख़त्म हो जाएगा। और मेरी कुछ दिन से ट्रेडिंग वीडियो नहीं आ रही थी, देख सकते हो कि मैंने 24 तारीख को ही ट्रेड किया था, आई थिंक 23 तारीख को, उसके बाद मैंने उसी दिन बता रखा था, उसके बाद छुट्टी थी दशहरा का, सो मैंने बोल रखा था कि मंडे से ट्रेड की वीडियो आएगी, ठीक है, 25 तारीख को बता रखा था। उस दिन के बाद आज मंडे है तो आज मैं कर रहा हूँ। तो जिनको नहीं पता है कि मैं कहाँ चला जाता हूँ, तो मेरे टेलीग्राम फॉलो कर लो, यहाँ पर आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। देखो बात करते करते इधर का सीन हो गया है, तो कुछ नहीं, रिव्यू कन्फर्म, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट माई ट्रेड टुडे का, मेरा आज का लास्ट ट्रेड होने वाला है, ठीक है। इसके बाद मैं आज के दिन पर कोई ट्रेड नहीं करूँगा, चाहे इसमें लॉस हो जाए चाहे प्रॉफिट हो जाए। अगर लॉसेस होगा तो भी मेरा कैपिटल का ज़्यादा लॉसेस नहीं होने वाला, क्योंकि मैं हेजिंग में काम कर रहा हूँ और लॉसेस को हमेशा मैं मेंटेन करके चलता हूँ, ठीक है। अब ये समझो, यहाँ पर हमने लॉन्ग का ट्रेड ले रखा, बॉटम पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देखो, इसमें मेरा SL ये है, ठीक है। और माइंड में अगर बात करोगे टारगेट के, तो टारगेट जो मेरा है ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ऊपर का, वो कहाँ का पता है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो टारगेट मेरा इधर के आसपास का भी हो सकता है, लेकिन मार्केट में यहाँ तक आ रहा है कि कहाँ पर दे रहा है, वो तो मार्केट के ऊपर है, लेकिन दिमाग में जो टारगेट रहेगा वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो रिस्क रेशियो की बात करोगे 1:5, ठीक है। और एक बार अगर मार्केट हमारे फेवर में चल दिया, मतलब यहाँ से मार्केट के ऊपर तक चल दिया, तो SL में यहाँ से हटा करके और ऊपर से शिफ्ट करता हुआ जाऊँगा, ठीक है। और इनकेस मान लो कि SL हिट हो जाता है, तो ऐसे हिट होने के बाद आज मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, दो ही मेरे लास्ट ट्रेड होने वाले हैं। लगता है इस बार का भी SL हिट हो ही कर मानेगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, देखो यार 800 का लॉस हो रहा है मुझे, अधिकतम देखो मैं 1000 रुपये का समथिंग का लॉस ले सकता हूँ, ठीक है। और लगता है मार्केट में SL काट दिया, अब कोई मतलब नहीं बनता भाई मेरे, अब कोई सेंस नहीं बनता मेरा रुकने का। आज का दिन पर कहानी ख़त्म, ट्रेड ख़त्म, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेता हूँ क्या है कहानी। SL तो हिट कर ही दिया है मार्केट ने, थोड़ा सा मैं, इसने लो लगा रखा है 414, कोई बात नहीं, अब कोई मतलब नहीं बनता वेट करने का। देखो ऑप्शन सेलिंग में है, तो थोड़े थोड़े लॉसेस भी कहीं ना कहीं हेजिंग की वजह से मेरा बच जा रहा है। और यहाँ पर मैं करता हूँ पोजीशन को स्क्वायर अप, ठीक है। अब देखो, अब मेरे ट्रेड दोनों के दोनों एग्जिट हो गए हैं, आज के दिन पर मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं मैक्सिमम 2 ही SL लेता हूँ। यहाँ पर देखो, अगर मैं हेजिंग नहीं करता तो मेरे को एक बार में 1200 का लॉस होता, एक बार में 800 का लॉस होता, जिसमें मेरे को टोटल मेरे को लॉस हो जाता लगभग 2000 से ज़्यादा का। लेकिन हमने हेजिंग करके रखी थी, इसकी वजह से मैंने 2 बार ट्रेड लिया था और टोटल टोटल 800 का लॉस हुआ। अब मेरे पास कैपिटल कितना था, देखो कैपिटल था मेरे पास कितना, समझो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कैपिटल था अप्रोक्स 60K, ठीक है। हमने 2 बार में 800 का लॉस किया, तो मान लो दोनों बार 400 का लॉस किया आपकी आंखों के सामने, तो 400 का लॉस मतलब 1% से भी कम है मेरे लॉस, ठीक है, 1% भी कम लॉस है। और प्रॉफिट की बात करोगे आप तो कहीं ना कहीं 2%, 4%, 3%, 10% ऐसे ही प्रॉफिट मिलता रहता है। तो एक बार में मैं 1% से भी कम का ट्रेड में लॉस लेता हूँ, ठीक है। और यही सारी से मैं चीज़ें आपको सिखाने का ट्राई करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझो, फॉलो करो, क्योंकि जब तक इस चीज़ को नहीं समझोगे तब तक मार्केट में मज़ा नहीं आएगा। और हाँ देखो, लॉस एंड प्रॉफिट तो मार्केट का गेम है, लेकिन आपको डिसिप्लिन में काम करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपको लॉस हो रहा है तो आप किसी अदर सिस्टम पर काम कर लो, हैबिली ट्रेड करते हुए जाओ। अब देखो मार्केट में भी हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, ठीक है, मैक्सिमम जैसे यही बंदे हैं, लेकिन अब हमें कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज हमारे 2 SL हिट हो चुके हैं। अपने आप को डिसिप्लिन में रखना सीखो, जिस दिन डिसिप्लिन में रखना सीख लोगे, मार्केट में देखो लोग प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में उनकी माइंड सेट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, वो बार 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 ब्रेक करते रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, लॉसेस हो तो लॉसेस को भी मानो, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को भी मानो। एक चीज़ आपके हाथ में है, आपके हाथ में प्रॉफिट करना नहीं है, लेकिन आपके हाथ में एक चीज़ है, वो है लॉस, कि लॉस मार्केट को आपको कम से कम देना है। आपने देखा कि मैंने यहाँ पर भी ट्रेड किया जिसमें मार्केट ने मेरे को लॉस दिया, तो मैंने काफ़ी कम लॉस दिया। यहाँ पर भी ट्रेड किया, यहाँ पर भी मार्केट ने लॉस दिया, तो हमने काफ़ी ज़्यादा कम लॉस लिया, ठीक है। ये चीज़ें आपके अंदर कंट्रोल में होनी चाहिए, प्रॉफिट हो तो बड़ा हो, लॉस हो तो छोटा हो, प्रॉफिट हो तो ज़्यादा टाइम हो, लॉसेस हो तो कम टाइम हो, यही है प्रॉफिटेबल बनने का टेक्निक, ठीक है। इसके अलावा मार्केट में कुछ और नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आज का दिन थोड़ा सा काफ़ी दिनों बाद में ट्रेड कर रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, नुकसान होते रहते हैं, नुकसान प्रॉफिट चलता रहता है। कभी भी आपको बड़े बड़े लॉसेस नहीं लेने हैं। मुझे को 700-800 का लॉस हुआ, हो सकता है अगले दिन मैं इसका सूद ब्याज जोड़ करके इसके डबल ट्रिपल का भी प्रॉफिट कर लूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज मैं मार्केट से फायर फाइटिंग बिल्कुल नहीं करूँगा। तो अब आज के लिए काम खत्म और ट्रेड बंद।
तो फाइनली आप देख सकते हो कभी बदल रहे हैं 1:06, ठीक है। और भले ही हमने आज लॉस ले रखा है 828 रुपये का, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो अभी। लेकिन मैं मार्केट में भी, मैं मार्केट को देख रहा था, तभी मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देख सकते हो कि मार्केट ने भाई साहब, जैसा हमारा अनुमान था कि मार्केट यहाँ से पूरा का पूरा अपसाइड की तरफ का यहाँ से टारगेट दे सकता है, मार्केट ने 1:05 के आसपास का टारगेट दिया। इवन अगर बात करोगे, अगर मार्केट पूरा होल्ड कर लेते कोई भी, तो 1:08 का टारगेट देता, ठीक है। अब देखो चीज़ों को समझो, भले ही आज मेरे को नुकसान हुआ है, लेकिन इसमें नुकसान में ही तो आपको लर्निंग पॉइंट्स जो मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़ इसमें आपको लर्निंग नंबर वन, लर्निंग नंबर वन में क्या है, देखो हमने आज 3 लॉट्स में काम किए, 3 लॉट्स मेरा लॉस जो था वो 400 का था, मेरे पूरे कैपिटल का 1% से भी कम का रिस्क था, 60,000 का मेरा कैपिटल है, ठीक है। और हमने 2 बार ट्रेड किया जिससे मेरे को 800 का नुकसान हुआ, जिसमें मेरा लगभग लगभग कैपिटल का 1.5% ही नुकसान हुआ। तो जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपका नुकसान कम से कम होना चाहिए 2% के आसपास, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2% के अंदर का था पहला नंबर। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर डिसिप्लिन का रूल देखो कि मैं मैक्सिमम दिन में 2 ही ट्रेड लेता हूँ। आप लोगों ने जितने दिन, अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते होगे ना, तो आपको पता होगा। तो सेकंड आपको लर्निंग पॉइंट क्या क्या करना है कि आपको डिसिप्लिन, भले ही मार्केट मेरे फेवर में गया लेकिन हमने 2 से 3 ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। अभी मेरे को लॉस हो गया तो मैं आपको इसके पीछे की सच्चाई बताऊंगा। देखो लॉस में होने के बावजूद भी मैं प्रॉफिट में, वो कैसे मैं आपको वो बताने का ट्राई करता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग व्यू, जितने भी लोग देखो रेगुलर फॉलो करते हैं उनको बताया है कि हमारे लेवल निकालने का क्या तरीका है, सारे का सारा लेवल मार्केट ओपन होने से पहले मेरे पास आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं बिग टाइम फ्रेम, तो मैं बिग टाइम फ्रेम पर लगा देता हूँ, ठीक है। 50 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ क्योंकि 50 मिनट का टाइम फ्रेम एक काफ़ी बिग टाइम फ्रेम होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेड लाइन को भी फॉलो करते हैं, तो मैं आपके सामने 2 ट्रेड लाइन बनाता हूँ। देखो एक ट्रेड लाइन तो यहाँ हो गया, ठीक है, एक ट्रेड लाइन ये हो गया, और सेकंड ट्रेड लाइन की बात करोगे आप तो सेकंड ट्रेड लाइन 50 मिनट का टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं आपको ये बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। दोनों का दोनों ट्रेड लाइन देख सकते हो आप क्या ब्रेक हुए हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम पर मैं आ जाता हूँ, देखो दोनों के दोनों टाइम फ्रेम यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो ये मार्केट का ओपनिंग करना था, ऐसे में तो ओपन होते ही 200 पॉइंट का मूवमेंट आ गया था। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग इस मूवमेंट का फायदा उठा पाए होंगे। सेकेंडली मार्केट ने इस वाले ये वाला ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने इधर से जाता हुआ जो ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक करा, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग सेल में ट्रैप हुए होंगे और मार्केट पूरा का पूरा अपसाइड का मूवमेंट दे दिया, ठीक है। इतनी बड़ी से बड़ी रेड रेड कैंडल, उसके बाद पूरा का पूरा सडनली मार्केट पलटना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत सारे रिटेलर सोच नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा प्लान यहाँ पर क्या था, हमारा अपसाइड जो से लेवल एरिया था, तो यहाँ पर मुझे पुट ही बेचना था, मेरा तो चीज़ें फिक्स थी। हमें क्यों नुकसान हो गया, समझो मेरी बातों को समझने का ट्राई करो। हमारा रिस्क रेशियो यहाँ पर 1:5 के आसपास का था, अगर ट्रेड सफल हो जाता तो आज मेरे को, अगर मैं मान लो मेरा ऐसे नहीं हिट होता, तो मेरे को कहीं ना कहीं 2,000 से लेकर 3,000 के आसपास का प्रॉफिट सेम ट्रेड में ही आज के दिन पर हो जाता, ठीक है। जो आज की घटना हुई है, मतलब क्या हुआ कि आज क्या हुआ कि हमने एंट्री इधर के आसपास की थी बॉटम में, और मार्केट ने सडनली थोड़ा सा नीचे का स्पाइक लगा दिया और मैंने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया, देन उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स कर गया। अब देखो ऐसी घटनाएं पहले होती कितनी है, समझो ऐसी घटनाएं 10 में से मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 बार हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूँ कि चलो ऐसी घटनाएं 10 में से 3 बार होती है, तो इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, 70%। मतलब अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ 1:05 पर, रिस्क रेशियो मैं मान लेता हूँ 1:05 को छोड़ो, मैं 1:03 ही मान लेता हूँ। देखो मैं आपको अंदर की बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग ये सीरीज नहीं समझोगे तब तक मार्केट में प्रॉफिट कमा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं मानता हूँ कि 1:05 नहीं, 1:03 ही मुझे मान लो मिलता, 10 में से 7 बार ही मैं पास होता, मतलब 7 बार मुझे प्रॉफिट होता और 3 बार मुझे नुकसान होता, ठीक है। तो मान लो कि लॉस होता तो 1,000 रुपये का होता, ठीक है, लॉस होता तो 1,000 रुपये का लॉस होता, लेकिन प्रॉफिट होता तो मुझे 3,000 का प्रॉफिट होता। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:03 है, मतलब 1,000 रुपये रिस्क पर लगा रहा हो तो 3,000 का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। एक्यूरेसी कितनी है, इस तरह के कंडीशन में मुश्किल से मुश्किल 10 में से 1 या 2 बार ही होता है मैं मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट लेकर चलता हूँ। तो आप देख सकते हो कि अगर 7 बार ही प्रॉफिट होता है आपको 3,000 रुपये का, तो 21,000 का आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, और 3 बार जो आपको नुकसान होगा उसमें आपको 3,000 का नुकसान होगा, ठीक है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आप प्लस 18,000 का प्रॉफिट में रहोगे। तो आपको क्या फोकस करना है, आपको देखो यही चीज पर फोकस करना है कि आप उस सेटअप को फॉलो करो जिस सेटअप की एक्यूरेसी बेटर हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो। आपके आंखों के सामने हमने दोनों को दोनों बार एंट्री करी है, नुकसान होने से मतलब नहीं है। देखो काफ़ी सारे लोग रिग्रेट फील करते हैं यार कि मेरा एंट्री मिस हो गई, मार्केट मेरा एसएल खाने के बाद हो गया, लेकिन आप उसकी प्रोबेबिलिटी को समझो कि कितने बार इस तरह का कंडीशन हो सकती है, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। हमने काफ़ी डीप लर्निंग, और मैं काफ़ी एक तरह से आप लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी रखने के साथ मैं ट्रेड करके दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग तो अपना लॉस दिखाते ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ सारी चीज़ों को, ताकि आप लोगों को अंदर की बात समझ में आ जाए। तो आपको डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है, और सेटअप पर अगर आपका सेटअप सही हो तो आपको सेटअप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्मेंस करके देगा। तो आज तो भले ही मिस्टेक होगी, लेकिन कल हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे सूद प्याज सहित, तो इसके लिए टेंशन नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये सारी चीज़ें आपको डीप डिटेल में सीखनी है, कैसे मैं बॉटम पकड़ता हूँ, कैसे मैं लेवल निकालता हूँ, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके सीख सकते हो।